रीवा नगर निगम का वार्ड 24 आज भी अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। ये मोहल्ला डॉक्टर कॉलोनी के पीछे कमसरियत के नाम से जाना जाता है, जिसकी आबादी 1500 से अधिक है और वोटर लगभग 900 हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी बिजली, पानी और नाली के लिए यहाँ के लोग मजबूर हैं। अगर रीवा का वाकई कोई विकास पुरुष बनना चाहता है तो जाकर इस वार्ड को देखे। हाल ही में वेंकटेश पांडे इस वार्ड से चुनाव जीते हैं। इसके पहले अर्चना मिश्रा पार्षद थी, लेकिन मोहल्ले की तरफ वोट मांगने के अलावा कभी देखने नहीं पहुंची। इस मोहल्ले की दुर्दशा आप वीडियो को देखकर अनुमान लगा लेंगे कि शहर किस तरह से महानगर बन रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस वार्ड के लोगों ने 2003 में रीवा के दौरे पर तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रीवा आए थे, तो इस वार्ड के लोगों ने इन्हीं समस्याओं को लेकर काला झंडा दिखाया था। तब पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था और मोहल्ले के दर्जनों महिलाओं को जेल भी भेजा गया था। सरकार बदल गई लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं और कैसी सुविधाएं इन्हें मिल रही हैं। यहाँ पानी की तकलीफ है, पानी हमारे द्वारे में भरा है, निकला इन्हें पूरी गंदगी बस्ती भर के है। हम लोग कहाँ से निकल जाए, कहाँ बैठेगे, कहाँ मां लड़के बच्चे डूबते हैं। पब्लिक नाली में जाती है लेटरिंग करने के, उधर जाएं कि कॉलोनी है तो कॉलोनी वाले कहीं रहते हैं। पाइप बिछी हुए है, पानी नहीं आया, पाइप बिछे लगता है 10 साल हो गए। कनेक्शन किसी के घर में नहीं है, सब पैसा दे दे के 150-150 रुपये दे के पानी दूसरे के यहाँ से भरती है। नहीं नहीं नहीं, गंदगी है तो कोई नहीं आता है। अन्ना कम्प्लेक्स भी बना हुआ है वहाँ पर, वो भी जाम है। देखा आपने किस कदर से यहाँ पे पानी, नाली, बिजली की सुविधा है। ये मोहल्ला वार्ड 24 का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व प्रभारी महापौर रह चुके वेंकटेश पांडे कर चुके हैं। ये मोहल्ला वार्ड 24 का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व प्रभारी महापौर रह चुके वेंकटेश पांडे कर चुके हैं और एक बार फिर से जीतकर परिषद में पहुंचे हैं। आइए आपको सुनाते हैं यहाँ के निवासियों को उनका दर्द किस तरह से छलका है। रामलाल को ये किस तरह से यहाँ पानी भरा है आप लोग घर के सामने, कैसे जिंदगी जी रहे हैं? नाली बनी नहीं है, इसलिए तो आ रहा। तो कभी आप लोग प्रयास नहीं किए नगर निगम या किसी से कहा? नहीं, प्रयास करते हैं, आते हैं, वो थोड़ा सफाई कर देते चले जाते हैं। कब से चल रहा है इससे? अरे ये तो लगभग 8-10 साल से चल रहा है। सुलभ कॉम्प्लेक्स में सुअर लोड रहे हैं, अंदर ताला बंद है, तो कैसे निस्तार हो रहा है आप लोगों का? सब नाला में जाते हैं खुले में, ऐसे ही बहन बेटियाँ सब ऐसे। दूर से मेहमान रिश्तेदार भी आते होंगे तो क्या कहते होंगे यहाँ आके? क्या कहते हैं? यही कहते हैं गंदगी। हाँ यही कहते हैं। बताइए किस तरह से दिक्कत है यहाँ? पानी की तकलीफ है, पानी हमारे द्वारे में भरा है, निकला इन्हें पूरी गंदगी बस्ती भर के है। हम लोग कहाँ से निकल जाए, कहाँ बैठेगे, कहाँ मां लड़के बच्चे डूबते हैं। पूरे बस्ती के पानी जाता, कोई सुनाई नहीं हो रही है। जब नेता वोट मांगने आते हैं तब सब लालच देते हैं कि ये करवा देंगे। अरे वो देख ही गए, वो देख ही गए, तब तक नहीं देख रहा है। अभी की बात नहीं, पहले भी आते रहे होंगे नेता। अरे कौन नहीं आ रहे हैं, अब वोट की खेती रहे हैं। वोट मांगने तो पिछले 5 साल पहले भी आए रहे होंगे। हाँ अरे अब आए हैं, पहले नहीं आते थे? नहीं आते रहे, एक पार्सल आवा रहा कहीं संजीत कॉल का, हम दे दे पैसा, तब नहीं सुनी सुबह। कुछ काम नहीं करवाए, कुछ नहीं काम करवाए, बिटिया मर गई, 10 कर नहीं करी समान। कुल मिलाकर वोट लेने आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ? अरे है पानी के है बिस्तर, मान लो ये नाली बन जाए, हम लोगों का अगर हम तक खड़े के बैठे कर दूर हो जाए। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? अरे बहुत दिनों से रहता है, बस्ती पूरा है, बुरा आ गया। स्थानीय निवासी हैं यहीं के? हाँ। वोट वोट डालने जाती है? अरे सब 2-3 बेटे डाल सब पजिता। सुविधा बस नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, पैसा दे से साफ कराई थी, गंदा की दुआरी वाला। घरों में शौचालय नहीं बने अभी आप लोगों के? बना है सामने वही, सामूहिक बना, दूसर बना है, जाता तक गंदगी कर देते हैं। सबके घरों में नहीं है, सामूहिक बने हैं। हाँ इतने कम्प्लेस हो, इसे पड़ी है झूठ। कौन सा वार्ड है ये? 24 वार्ड। टेल बताइए किस तरह की यहाँ दिक्कतें हैं? अरे यन भैया बड़ा दिक्कत है, यन कोई सुनता नहीं है। यन जो बोला है तो कहते हैं कि ये गमार बस्ती है, ये गमार बस्ती में क्या करना है, ये गमारों से जब वोट पड़ेगा तब आएंगे तो कहेंगे कि हमको वोट चाहिए, हमको वोट देना, जब वोट जीत गए तब फिर ही कह दें कि गमार बस्ती में क्या करने जाएंगे।
गंदगी, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये कॉलोनी है, कॉलोनी है, जो डॉक्टर कॉलोनी है, डॉक्टर कॉलोनी है तो उन्हन में तो रोड है भैया, मारी तो हम लोग है घर भीतर, पानी एकाई जेल तक के पानी आता है, गंदगी इतनी आती है, हम लोग घर भीतर मर रहे हैं। कभी कोई नगर निगम से कभी कोई ही नहीं आता है, यहाँ कोई नहीं आता है नगर निगम वाली, पार्षद भी नहीं आता है। कौन था पहले पार्षद इसके? पार्षद ये अर्चना मिश्रा है, अभी नई पार्षद चुनी गई होगी तो वोट, अभी तो उनका रहुआ ही नहीं भाई। कौन था, कौन वोट मांगने आया, कौन जीता है आपके यहाँ से? हम यहाँ तो जीता है वेंकटेश पहला नंबर, दूसरा नंबर है का कहावत है सब्बीर, तो वेंकटेश जीते हैं। हाँ, उनसे आप लोग बताई थी अपनी समस्या? अरे हम सब समस्या रो चुके, सब समस्या बोल के कहते हैं कि जाओ अपन रास्ता भीतर से निकले, गेट नहीं बंद कर लेती, वोट लेने के बाद सब गोल, हाँ, हो जाते, सब गोल हो जाते हैं। यहाँ खुली बिजली की तार है, चारों तरफ नाली है, इसका कोनो ध्यान नहीं है, कोई हियन मर जाता है, कोई ध्यान नहीं है, कोनो मतलब नहीं है, नगर निगम है कहीं हम खुद से कोई मतलब नहीं है, कोटा है तो कोटा में जाएगा तो कहीं के अरे गमारन के लगे को जाए, ये कोई तरीका है? कोटा है तो गमारन के बस्ती में आवे, बमनन के बस्ती में कहीं गया है? क्रांति, किस तरह से दिक्कत है इस वार्ड में आप लोगों को रहने में? पानी मेरे घर के पास भरा हुआ है, वहाँ पास मेरे पापा साफ करते हैं रोज, डेली थक जाते हैं साफ कर करके। नगर निगम वाले कोई नहीं आते? नहीं आते। जब चुनाव होता तो वोट मांगने नेता आते होंगे? हाँ आते हैं। इसके बाद अब कोई नहीं देखने आता? नहीं। किस तरह से जीवन जी रहे तुम लोग, खाना खाने में विचारों का बस हो गई यही गंदगी के लिए? आप लोगों के दोस्त पहली भी आती है, आती है कोई? नहीं नहीं नहीं, गंदगी है तो कोई नहीं आता है, गंदगी वजह से नहीं आते, आते भी होंगे तो कहते होंगे बहुत गंदे स्थान पर रह रहे हैं। हाँ हाँ बोलते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती होगी? हम लोग के बाजू में नाली है वहीं। पटेल, ये जो कौन सा वार्ड है? ये 24 वार्ड है। यहाँ पे चारों तरफ से गंदगी है, लोग कहना कि पानी की व्यवस्था नहीं है, नाली नहीं, बताइए किस तरह से दिक्कतें हैं? और अभी यहाँ मान लीजिए सब नरक की जिंदगी जी रहे हैं, पाइप बिछी हुए है, पानी नहीं आ रहा, पाइप बिछे लगता है 10 साल हो गए, कनेक्शन किसी के घर में नहीं है, सब पैसा दे दे के 150-150 रुपये दे के पानी दूसरे के यहाँ से भरती हैं लेडीज ये, और नाली भी नहीं है। अब मान लीजिए पानी जब बरसता है तो पूरे मोहल्ले में ही भर जाता है, अना पानी निकलने का कोई दिक्कत, डॉक्टर को डॉक्टर तो कहेंगे रास्ता बंद करो इधर का, कहीं इधर का बंद करो, अना कम्प्लेक्स भी बना हुआ है वहाँ पर तो वो भी जाम है, मतलब सब बाहर जाते हैं, तो बेचारे लोग जब सुविधा नहीं तो कहीं बाहर तो जाएंगे ही जब दिक्कत है। कुल मिलाकर शहर में रहते हुए नरक जैसे जीवन, हाँ जो कहते हैं ना सिटी में लोग हैं, सिटी नहीं, सिटी तो ये क्या कहते हैं कि क्या बता, नरक से भी गैर गुजरा है। कितनी बस्ती होगी ये? कम से कम 5-7 सौ बस्ती है, 700 बस्तियों के बीच में शौचालय भी नहीं बने, बना है लेकिन वो बिल्कुल भरा हुआ है, वो सुबह आएंगी खोलेंगी अब एक बार, हाँ मतलब बना का ही ठो इसमें अंदर, लेकिन पूरा भरा बंद है बिल्कुल, 10 है। सब आए हैं? नहीं भैया सब आए हैं, बढ़िया देखे हैं पूरा, ये घूम के पूरा दिखवाए भी दे, बोले जीतने के बाद हम ऐसा करेंगे, अब जीतने के बाद कोई देखने भी नहीं आया कि अब क्या दिक्कत है आपको, और जब वोट चाहिए तो आके पैर भी पड़ेंगे कि वोट दीजिए, हम आके आपको सब सुनेंगे, अगर जीत जाएंगे तो झांकने भी नहीं आएंगे कि हाँ आप लोगों ने मुझे जिताया है तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आप लोग बताइए तो मैं आपका वो करें। ये आज लगता 15 साल हो गए इसी तरह जीवन जी रहे हमारे, उसमें मान लीजिए 15-20 साल हो गए, नल यहाँ है ही नहीं है, नल मान लीजिए 8-10 जन के यहाँ हैं तो उन्हीं के यहाँ से पानी भरेंगे तो 100-150 रुपए देंगी, इतनी बड़ी बस्ती में अगर 10 नल लगा ही है कॉलोनी से लिए तो कितना पानी भर लेंगी 300-700 बस्ती में, चारों तरफ से गंदगी, हाँ। बीमारी फैलती होगी, बीमारी है ये सब बीमार, पूरा मोहल्ला देखिए सबके घर में बीमार है, कचरा कूल गंदगी, तो अभी चलिए हम आपको दिखाते कितना पानी भरा, इतना पानी भरा उनके घर के सामने, हाँ पूरा लेटरिंग बाथरूम सब वहीं से निकल रहा बिचारे के, देखिए आप निकल नहीं पाते, हाँ। नगर निगम के अधिकारी कभी आए निरीक्षण? कोई नहीं, जब आएंगे तो थोड़ा थोड़ा से फरवा सूप पर साफ कर देंगे, कहेंगे आप बड़े आदमी वहाँ जाके उनसे बात करिए, बड़े अधिकारी से, अब किससे अधिकारी से आदमी बात करे, जिसको जान उनको कंप्लेन कर देता है तो चार फरवा मार के साफ करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, यहाँ 2 बज जाएँ 4 बज जाएँ और उठाएंगे गाड़ी चल देंगे। क्या दिक्कत है, किस प्रकार से सर? हमारे यहाँ पाइपलाइन बिछी है लेकिन पानी नहीं आता है, बहुत परेशानी होती है, नाली नहीं बनी हुई है, कोई अधिकारी नेता सुनने नहीं, कोई नहीं आता है, किस तरह से जीवन कट रहा है आप लोग हो गए ऐसे गुजार रहे हैं, बीमारियां फैल रही होंगी, गंदगी है, बीमारी फैलती है सब कुछ है। कभी किसी से शिकायत की आप लोगों ने बताया नगर? जाते भी हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, बोलते इधर जाओ उधर जाओ, बस ये कह के टाल देते हैं। कितने लोगों की बस्ती होगी यहाँ? ये यहाँ तो कम से कम बहुत बस्ती है,
जेल तक है। हाँ। गंदगी में रह रहे हैं ऐसे ही गंदगी जी सर, रहना खाना पीना। पाइप लाइन बिछी है लेकिन पानी नहीं आता, हम लोग इधर उधर भटकते हैं पानी के लिए सर। नल नहीं आता और नाली की भी व्यवस्था है, पानी निकलता नहीं बारिश का। जी नहीं, देख लीजिए हमारे यहाँ की नालियाँ किस तरह हैं, भटी हुई हैं। कॉम्प्लेक्स बना है लेकिन कोई सुविधा नहीं है, दो दिन खुलता है फिर वही खराब हो जाता है। बताइए किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ? अरे बहुत परेशानी है, नल नहीं आ लगा है, पानी नहीं आ रहा, हाँ नाली की भी समस्या है, पानी नहीं निकल पा रहा, नाली नहीं निकल रहा, पानी बहुत नाली है तो कबने काम कर, पानी तो निकल ही नहीं रहा यार। कोई पार्षद जो है उनसे शिकायत नहीं की आप लोग? अरे वो सुनता ही नहीं है को। कौन है पार्षद? अभी ये तो नहीं जानी हो, अभी तो कोई नया आ गया। कौन पुराना पार्षद कौन था? अर्चना।